पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सरदार, एक बात समझ नहीं आई। राजकुमारी तो आपके हाथों में आ चुकी थी, फिर आपने उन्हें जाने क्यों दिया? वही डाकू, दरिंदा, पहाड़ी डाकू, सब ने हमें इन्हीं नामों से पुकारा है। ये नाम जैसे हमारी पहचान बन गए हैं। हमारी वास्तविकता क्या है, हमारी असलियत क्या है, हमारी जिंदगी कैसी है, ये कभी किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन मालवा की रानी अहिल्याबाई की आंखों में हमने अपने लिए विनम्रता देखी। उन्होंने हमसे हमारी समस्याओं, हमारी तकलीफों के बारे में पूछा। उन्होंने हमारी जिंदगी में झांकने की कोशिश की, हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इसलिए हमने उनकी बेटी को जाने दिया। अब से क्या हम लूट मार करना छोड़ देंगे? और अगर ऐसा रहा तो हम अपना और अपने परिवार का पेट कैसे पालेंगे? सरदार, हम जिंदा कैसे रहेंगे? हम लूट मार करके ही अपना गुजारा करते हैं, वो हम बंद नहीं कर सकते। लेकिन अब हमें पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब अहिल्याबाई की नजर हम पर पहले से ज्यादा रहेगी। आज से हम इस इलाके को छोड़ देंगे। भाइयों, अपना सामान बांधो, यहां से निकलने का समय हो गया है। अब हम राज्य के बड़े और मुख्य शहरों में अपना डेरा डालेंगे और वहां के बड़े व्यापारियों को अपना निशाना बनाएंगे। अब अहिल्याबाई तो क्या, भगवान भी हमें पकड़ नहीं पाएंगे। अहिल्या, हर परिस्थिति को अच्छे से समझती हो तुम। इस बात में कोई शंका नहीं कि मालेराव ने गलती की है, लेकिन भरे दरबार में इस तरह से सबके सामने उसे? जी भाजी, जब एक छोटा बच्चा अपने ही घर में किसी कारण रूठ जाता है, गुस्से में अपने खिलौने तोड़ देता है, तो उसके आई बाबा हंस देते हैं, उसकी शरारतों पर मन ही मन मुक्त हो जाते हैं। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।